मौसम गर्मा के आते ही रियासत तेलंगाना के कई एक देहातों में पीने के पानी का मसला संगीन हो गया है। देहातों में ज़िंदगी गुजारने वाली अवाम पानी के लिए ख़तरनाक सूरत हाल से गुजर रही है। दोपहर के तेज़ धूप में लोग घरों से बाहर निकलना तक गवारा नहीं करते। ऐसे वक्त में बच्चे बड़े सभी पानी के लिए दो दो किलोमीटर सफ़र तय करने पर मजबूर है। देखिए हमारे संवाददाता जय साईनाथ की ये रिपोर्ट। आखिर क्या वजह है कि लोग पानी के लिए लाचार व बेबस हैं? हुकूमत तेलंगाना पीने के पानी को हर घर पहुंचाने के लिए मंसूबाबंद तरीक़े पर काम करने की एक कोशिश में है, लेकिन ये कोशिश अवाम को कब राहत देगी? कहीं मुतालिका अहदेदारान के लापरवाही का नतीजा तो नहीं है कि आज लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? मवाजियात के अवाम का कहना है कि पानी का ये मसला कोई नई बात नहीं है, हर साल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर भी सरकारी अहदेदारान इस तरफ वक्त से पहले तवज्जो क्यों नहीं देते? मेरा नाम शेख शादुल। हमारे गांव में पानी की बहुत किल्लत है। झोला भी नया बदी बन के 40 साल हो गए, अभी तक रोड नहीं, नाली नहीं, पानी नहीं पीने के लिए। लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। लोगों को रहता हूँ मैं गाँव में, हमारे गली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पानी का, रास्ते का, नाली का। अभी तक हमारे गांव में पूरे एरिया में डेवलप हुआ, पर हमारे गली में डेवलप नहीं हुआ अभी तक। क्यों, क्या क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है हमारे गली में का? सब वोटा हमारे जाते हैं यहाँ पे, इलेक्शन जीत के आते लोग। 28 जनवरी 2018 को ही डेक्कन क्रॉनिकल के वेबसाइट पर शाई की गई रिपोर्ट वाजे तौर पर बताती है, हुकूमत के जानिब से फराहम की गई रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के जुमला 31 अजला में से 18 ज़िलों में पीने के पानी की किल्लत है, जिसमें आसिफाबाद, आदिलाबाद और निर्मल ज़िला भी शामिल है। पता नहीं हुकूमत के मुतालिका अहदेदारान कहां पर और क्या कुछ मुसबत अकदाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया समय।